गैंग सक्रिय है जिसका नाम है हेलो गैंग। ये गैंग न्यूज़पेपर व सोशल मीडिया आदि से अपना एड देकर लोगों को चूना लगाने का काम करते हैं। फिलहाल आगरा पुलिस ने हेलो गैंग के 7 सदस्यों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। ये गैंग न्यूज़पेपर व सोशल मीडिया आदि में अपना पेड एड देते हैं जिसमें ये स्क्वाट सर्विस, स्पा व मसाज आदि चीजों का एड देकर लोगों को लुभाने का काम करते हैं। साथ ही ये एड में अपना मोबाइल नंबर भी देते हैं ताकि लोग इनसे संपर्क कर सकें। जब कोई व्यक्ति इनसे संपर्क करता है तो गैंग के सदस्य सेल्समैन बनके कस्टमर से बात करते हैं और उनके रजिस्ट्रेशन के नाम पर 500 से लेके 3000 तक वसूल कर लेते हैं। उसके बाद ये उस नंबर को बंद कर देते हैं। छोटी राशि होने की वजह से कोई इनकी शिकायत भी नहीं करता, जिस वजह से ये गैंग और सक्रिय हो जाता है। आगरा पुलिस और साइबर सेल ने हेलो गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिनके पास से 38 मोबाइल, 4 एटीएम कार्ड, 35 सिम कार्ड, कार, लैपटॉप और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। ये सभी अपराधी आगरा के पिनाहट और पिडोरा से पकड़े गए हैं। कल रात साइबर टीम द्वारा और पिनाहट और पिडोरा बसायरेला मनसुखपुरा थाना टीम के द्वारा दबिश मारा गया है। इस दबिश में हेलो गैंग का 7 लोग गिरफ्तार किया गया है और इनमें से 5 लोग रिठाई थाना बसायरेला थाना पिडोरा क्षेत्र का है और 2 पिनाहट क्षेत्र का है। तो इनमें इन लोगों से एक लैपटॉप, 38 मोबाइल फोन्स और 35 सिम कार्ड्स, 4 एटीएम कार्ड, 1 कार, 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। किस तरह से ये वर्क करते हैं? तो ये आप पहले से ही जान रहे कि हेलो गैंग एक इनका मोडस ऑपरेंडी ये होता है कि ये न्यूज़पेपर्स, ये ऑनलाइन वेबसाइट्स, गूगल, फेसबुक और लोकेंटो जिस तरह की पोर्टल्स में एडवर्टाइजमेंट पेड एड्स देते हैं, उस तरह की देते हैं जैसा स्पा सर्विसेस या एस्कॉर्ट सर्विसेज, इस तरह के एड्स देकर उसमें अपना मोबाइल एडवर्टाइज करते हैं, मोबाइल नंबर्स। उस मोबाइल नंबर्स पे ऊपर जो फोन्स आएंगे तो ये लोग उन लोगों से व्यापार, मतलब जो सेल्समैन बन के बात करके उनसे रजिस्ट्रेशन तौर पर पैसा लेंगे। बहुत कम मात्रा में जितना इन लोगों से पॉसिबल है उतना, 500 से लेकर 2500, 3000 तक छोटे छोटे अमाउंट्स में एडवांस तौर पर लेकर बाद में उनका कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड करेंगे, बस वो पैसा लेकर अपना कॉल बंद कर देंगे। इस तरह से कई लोग ठगी करके अपना पैसा बनाते रहे। यूपी के अलावा कहीं और भी इन्होंने इस तरह कुछ काम किया है? ये ज्यादातर बाहरी क्षेत्र में ज्यादा करते हैं, स्पेशली राजस्थान, मध्य प्रदेश, न्यू दिल्ली और महाराष्ट्र, केरला वगैरह। तो इन लोगों का यही है कि जहां इन लोग रहते हैं वहां कोई कार्रवाई नहीं रहता है। और इन लोग का करने का तरीका भी 2 पार्ट्स में रहता है, जो न्यूज़पेपर में एड देकर और पैसा जो कलेक्ट होता है वो बैंक अकाउंट्स में लेने की काम एक गैंग करती है और जो फोन में बात करने वाला काम दूसरे काम गैंग करते हैं। जनरली जो बच्चे फोन में जो इन लोग जो फोन बात करते हैं, इन लोगों को ट्रेन किया जाता है कि किस तरह से बात करना है, उनको स्क्रिप्ट दिया जाता है, उस स्क्रिप्ट अनुसार ये लोग उन लोगों से बात कर उनसे पैसे लेने के लिए कोशिश करते हैं। सर, डाटा कहाँ से प्रोवाइड होता है इनके पास? इन लोगों से संपर्क में आते हैं, डाटा कहाँ से प्रोवाइड होता है? ये न्यूज़पेपर एड देते हैं, उस न्यूज़पेपर एड में अपना मोबाइल नंबर पब्लिश कराते हैं तो उस पे अपने आप फोन आते हैं। आपका कितने लोगों को शिकार ब्रांच में होंगे, ऐसा कुछ मालूम पड़ता है? अभी ये लंबा विवेचना लगता है क्योंकि इसमें हर एक चीज को हम बैकग्राउंड वर्क करना पड़ता है। तो जितने सीडीआर निकलवाएंगे उनसे जिस मोबाइल नंबर से इनके वार्ता हुई वो निकलवाएंगे और इनका बैंक अकाउंट भी छानबीन करेंगे। आगरा से संवाददाता दुष्यंत उपाध्याय की रिपोर्ट। बुंदेलखंड आए और पांडे जी का रसगुल्ला ना खा पाए।